हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या होता है? रेशियो में हम दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सो व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। रेशियो इज कंपैरिजन, रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ साइज। रेशियो क्या है? कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है? साइज। किसके साइज का? ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। राइट? रेशियो में हम क्या करते हैं? दो क्वांटिटीज के साइज को कंपेयर करते हैं। राइट? बट क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए। तो सेम काइंड का क्या मीनिंग है? सेम काइंड का मीनिंग है हमारा, जैसे हम दो स्टूडेंट्स की हाइट को कंपेयर करते हैं। राइट? एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। राइट? हम इनकी हाइट्स को कंपेयर करें। राइट? या फिर हम इन स्टूडेंट्स के वेट वेट को कंपेयर करते हैं। राइट? हम दोनों स्टूडेंट्स के क्लास परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट ए ने कितने मार्क्स अचीव किए हैं और स्टूडेंट बी ने कितने मार्क्स अचीव किए हैं। सो रेशियो क्या है? रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। एक तो साइज का कंपैरिजन है, कंपैरिजन है किसका? साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज का। राइट? ऑफ सेम काइंड, ये भी बहुत जरूरी है। क्वांटिटीज एक ही तरह की होनी चाहिए। आप दो डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर, दो डिफरेंट काइंड की क्वांटिटीज को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट का की हाइट का कंपेयर करते हैं और सेकेंड स्टूडेंट का क्या वेट कंपेयर करते हैं, सो इनके बीच में कोई कंपेरिजन नहीं होगा, इनके बीच में कोई रेशियो नहीं होगा। राइट? सो व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। करेक्ट? ठीक है। सपोज किसी फैमिली में दो स्टूडेंट हैं, एक एक को मिलते हैं 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी और सेकेंड को मिलते हैं 200 रुपीज फॉर पॉकेट मनी, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। राइट? सो रेशियो आपको समझ आया? व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। रेशियो क्या है? कंपैरिजन है साइज का ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ओके, रेशियो को लिखते कैसे हैं? रेशियो को लिखा जाता है लाइक ए, जैसे ए इज टू बी। रेशियो को हम कैसे लिखते हैं? ए इज टू बी। ए इज नोन एज फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो एंड बी इज नोन एज सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो। सो दीज आर फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ दिस रेशियो। इसे हम रीड करेंगे ए रेशियो बी और ए इज टू बी। राइट? फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट भी कहा जाता है, एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म को और क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो पहले आता है, एंड कंसिक्वेंट जो बाद में आता है। सो रेशियो में जो दो टर्म है, ए का क्या नाम दे सकते, ए को क्या नाम दे सकते हैं हम? एंटीसीडेंट। और बी को क्या नाम दे सकते हैं? कंसिक्वेंट, या सिंपली फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो। राइट? अब हम रेशियो के बारे में कुछ आगे पढ़ते हैं। रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। राइट? रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या है? बोथ टर्म ऑफ रेशियो, रेशियो में मैंने जैसे बताया आपको दो टर्म होती हैं, जैसे एक रेशियो हमारा 2:3, फर्स्ट टर्म इसमें 2 हो गई, सेकेंड टर्म 3 है हमारी। 4:5, 4:5 दो टर्म है, 4 एंड 5। ए इज टू बी दो टर्म है, ए एंड बी। राइट? अब ये क्या कह रहा है? बोथ टर्म ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड, बोथ टर्म ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। राइट? रेशियो की दोनों टर्म्स को हम एक नॉन जीरो नंबर से,
डिवाइड कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि दोनों टर्म्स को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक एक टर्म को अलग नंबर से डिवाइड करते हैं एंड सेकेंड टर्म को किसी अलग नंबर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा रेशियो है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा रेशियो है 12:16। रेशियो क्या है? 12:16। सो 12 रेशियो को ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। को डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कंपैरिजन बाय डिवीजन, डिवीजन करके कंपेयर करते हैं। इसलिए रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 12/16, 12/16, राइट। अब आता है कि बोथ बोथ टर्म ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर। रेशियो की दोनों टर्म्स को हम किसी सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर को मैं फोर से, फर्स्ट टर्म को फोर से डिवाइड कर रहा हूँ, सेकेंड को भी मैं फोर से ही डिवाइड कर रहा हूँ। सो इट इज 3/4। तो नया रेशियो हमारा क्या बन गया? 3:4। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो भी कहा जा सकता है, राइट। वो मैं बताऊंगा बाद में। सो फर्स्ट हम ये कह सकते हैं कि रेशियो की किसी भी टर्म को, सॉरी, रेशियो की दोनों टर्म्स को सेम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे इसी रेशियो को ले लिया, 3/4 को ही ले लेते हैं हम। 3/4 रेशियो हमारा, 3/4 को आप अगेन क्या लिखेंगे? 3/4। और अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों टर्म्स को, तब भी ये रेशियो सेम ही रहेगा, 6/8। इस रेशियो को आप लिखेंगे 6:8। सो जो हमारा इनिशियल रेशियो था 12:16, फिर रेशियो बन गया था 3:4, और अब हमारे रेशियो बन गया 6:8। ये सारे रेशियो इक्वल अज्यूम होंगे, इक्वल कंसिडर किए जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है। क्योंकि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, 12/16 को अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो रेशियो 12/16 को आप लिखेंगे, 12:16 को लिखेंगे 12/16, एंड 12/16 में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को 4 से डिवाइड कर दें। सो दिस इज 3/4। 4 से दोनों को कैंसिल कर दिया, फ्रैक्शंस में ऐसे कैंसिल हो सकता है, आपको पता है। सो 3/4 आया, एंड 6/8 जो हमारा रेशियो है, यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 3, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। सो दिस इज 3/4, राइट। दिस इज नॉन एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। तो यहाँ पर रेशियो हमारा 3/4 है, यहाँ पर भी 3/4 है। सो हर जगह सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो हमारी क्या है? 3/4, राइट। सो जो हमारा रेशियो है 12:16, 3:4 एंड 6:8, ये सब एक ही रेशियो है। सो हमने यहाँ क्या स्टडी किया है कि रेशियो की दोनों टर्म्स को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। कौन सी फॉर्म? लोवेस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो, राइट। आगे चलते हैं। रेशियो में जो दो टर्म होती हैं, ए इज टू बी, ए इज टू बी, या हम कहें 2:3, राइट, इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी के मार्क्स का आपको रेशियो दिया है 2:3, इसको आप 3:2 नहीं कह सकते, 3:2 नहीं कह सकते। सो ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट चेंज ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द रेशियो, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है कि रेशियो में जो दो टर्म्स हैं उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, यू कांट चेंज ऑर्डर ऑफ द टर्म्स, राइट। रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। रेशियो सिर्फ एक ही टाइप की क्वांटिटीज के बीच में एग्जिस्ट करेगा। जैसे इनिशियली मैंने आपको बताया था, आप दो स्टूडेंट्स ए एंड बी हैं, ए स्टूडेंट की अगर आप हाइट को बी स्टूडेंट के वेट से कंपेयर करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट अलग वेट अलग, राइट। दोनों स्टूडेंट्स की हाइट को कंपेयर कर सकते हो आप, दोनों स्टूडेंट्स के वेट को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एक स्टूडेंट की हाइट और एक स्टूडेंट का वेट ये आप कंपेयर नहीं कर सकते। सो दोनों क्वांटिटी हमारी कैसी होनी चाहिए? एक ही टाइप की होनी चाहिए। जिन दो क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर रहे हो, दोज मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड, राइट। उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। जैसे
आप एक डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस ए आपका 100 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस बी बी है आपका, एंड डिस्टेंस बी इज 1 मीटर, तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन से पहले आपको दोनों की यूनिट सेम रखनी होगी, से चेंज करनी पड़ेगी, बी बी की यूनिट हमें चेंज करनी होगी। 1 मीटर इज इक्वल टू, या हम इसको 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर, तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, राइट। अब आप कर सकते हो 100 इज टू 1000, अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो, राइट। सो ये रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:10 का। ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस के बीच में जो रेशियो है, दैट इज 1:10 का रेशियो है। सो दो चीजें आपने इंपॉर्टेंट पढ़ी, ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर ऑफ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटीज की यूनिट भी सेम होनी चाहिए, राइट। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg। सो डायरेक्टली हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन से पहले हमें 150 ग्राम को क्या चेंज करना होगा, या 2 kg को हम ग्राम्स में चेंज कर लें। सो रेशियो हमारा फिर क्या हो जाएगा, 150:2, 2 kg के ग्राम्स बनाएंगे आप, दैट विल बी 2000, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 0 ही कैंसिल होगा, दो नहीं होंगे, राइट। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, सो रेशियो आएगा आपका 3:40 का रेशियो आएगा, राइट। बट बिफोर कंपैरिजन हमने क्या किया था, केजी को अपने ग्राम्स में चेंज किया था, उसके बाद हमारी दोनों क्वांटिटी ग्राम्स में हो गई थी। सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस, टू रेशियो, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, ये क्या है। अगर हमें दो रेशियोज को कंपेयर करना है, सो हमें उनको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रेशियो हमारे पास 2:3 एंड सेकेंड रेशियो हमारे पास 3:4, हमें इन दोनों रेशियोज को कंपेरिजन दोनों रेशियोज का कंपेरिजन करना है। सो हम क्या करेंगे, 2:3 को लिखेंगे हम, 2:3 को लिखेंगे 2/3, विच इज इक्वल टू, एंड 3/4 को लिखेंगे 3/4, राइट। उसके बाद हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स देखेंगे, इसमें डिनोमिनेटर 3 है और इसमें क्या है, 4, उनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो 3 एंड 4 का जो एलसीएम होता है, 3/4 का एलसीएम आपका होता है 12, राइट। इससे दोनों के डिनोमिनेटर को एक जैसी टर्म में चेंज करेंगे, यहाँ 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 9/16। नेक्स्ट, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 12 बनाएंगे, इस डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सो इट विल बी 8/12। अब दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, राइट। अब न्यूमरेटर को कंपेयर करें, 8 एंड 9, विच वन इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर, साइड, सो ठीक है। सो जिस रेशियो का न्यूमरेटर ग्रेटर आया है वो रेशियो ग्रेटर होगा। अब 9 न्यूमरेटर किसका है, 3:4 का, सो रेशियो 3:4 इज ग्रेटर, ये रेशियो हमारा क्या है, ग्रेटर है। इस टाइप से आप रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक यहाँ इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन दिया है, एक रेशियो हमें गिवन है 2:1/3:3:1/3। इस रेशियो को हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये रेशियो हमारा होगा 2:3 6 7/3:2 3:3 9 1 10/3, राइट। सो इसे हम लिख सकते हैं 7/3/10/3, 3 कैंसिल हो गया, सो इट इज 7/10। सेकेंड रेशियो हमें दिया है 3.6:4.8, सो दिस इज 3.6/4.8, 4.8। पहले हम इनका डेसिमल रिमूव कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक एक डिजिट डेसिमल हैं, सो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
नाउ इट इज 36/48, 36/48 इसको 12 से डिवाइड किया जाए एंड दिस इज 4. 12 से डिवाइड करने के बाद ये क्या इसमें कन्वर्ट हो गया 3:4 में. फर्स्ट रेशियो में जो फ्रैक्शन आया हमारा 7/10 है, सेकंड रेशियो में जो फ्रैक्शन आया दैट इज 3/10 है, राइट. अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल बनाना है, इसलिए क्या करेंगे, 4 और 10 का एलसीएम, 4 10 का एलसीएम आएगा हमारा 20. दोनों के डिनोमिनेटर्स को 20 बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स को 2 से मल्टीप्लाई, इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को करेंगे क्योंकि एक जगह हम नहीं कर सकते. सेकंड 3/4 को अगर 20 बनाना है डिनोमिनेटर में, सो डिनोमिनेटर में जो 4 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो यहाँ पर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में. नाउ इट इज 15/20 और ये क्या हो गया, दिस इज 14/20. नाउ एक रेशियो हमारा 14/20 के इक्वल है एंड सेकंड रेशियो हमारा 15/20 के इक्वल है. डिनोमिनेटर दोनों के एक जैसे हैं इसलिए हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है दैट रेशियो विल बी ग्रेटर. सो न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है, जो रेशियो हमारा क्या था 3.6:4.8. सो 3.6:4.8 इज ग्रेटर रेशियो, राइट. सो हाउ टू कंपेयर टू रेशियोज, आई थिंक आपको समझ आया होगा. ओके, इससे आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.